अब हम देखेंगे सुसाइड करने के तरीके, कौन से माध्यम से लोग सुसाइड करते हैं। तो उसमें सबसे हाईएस्ट जो है नंबर वन वो है जहर का सेवन, पॉइजनिंग। फिर दूसरा है फांसी लेना, हैंगिंग। फिर तीसरा है कि जलकर मरना, बर्निंग। चौथा है पानी में कूदना, तालाब में या कुएं में कूदना, नदी में कूदना। फिर नेक्स्ट है रेलवे पटरी के ऊपर झोंक देना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक वायर को हाथ लगा के बर्न कर लेना और फिर झटका लग के मरना। नेक्स्ट है तीक्ष्ण हथियार का प्रयोग करना या उपयोग करना। नेक्स्ट है नींद की गोलियां खाना और उसमें फिर डेथ हो जाना। नेक्स्ट है फटाके, फटाके का इस्तेमाल करना और उसमें जलकर मरना फटाकों से। तो ऐसे कभी करीब करीब 50% कारण इसमें बैठ जाते हैं। और बाकी जो है कि काफ़ी सारे सुसाइड में मालूम ही नहीं रहता कि उन्होंने, मतलब उसका डेटा अवेलेबल नहीं कि उन्होंने किस तरह से सुसाइड किया, मालूम नहीं पड़ता है, मर गया इतना मालूम है। फिर अभी कौन से किस तरह के लोग सुसाइड के लिए प्रोन हैं और किस तरह के लोगों के ऊपर हमने ख्याल रखना चाहिए कि वो सुसाइड कर सकते हैं। तो एक है कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड, है ना, घर में किसी ने पहले सुसाइड किया हो तो वो एक धोखे का इशारा मतलब हो सकता है। तो नेक्स्ट है बायपोलर डिसऑर्डर, मतलब मैनिया डिप्रेशन उनको है, हिस्ट्री डिप्रेशन की हिस्ट्री है, मैनी की हिस्ट्री है। तो नेक्स्ट है अल्कोहल का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट है ड्रग्स, जो कैनाबीज है, मैरिजुआना मतलब, या भांग लेना, अलग अलग ऐसे ड्रग्स जो है तो उसका इस्तेमाल करना। और फिर वो जो लोग करते रहते हैं वो सुसाइड कर सकते हैं। अकेलेपन, जो लोग अकेला होते हैं ना, अकेला अकेलापन, वो लोग सुसाइड कर सकते हैं। फिर तलाक यदि हुआ है पति पत्नी का, या पति पत्नी विभक्त रह रहे हैं तो वो केस फॉर स्टडी हो सकती है। फिर परिवार का सहयोग नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, पैसे की अचानक तंगी आ गई, अचानक बैंक करप्ट हो गया है। फिर नेक्स्ट है कि पहले उसने इशारा दिया हुआ है। कंप्लीटेड सुसाइड जो है कि जिन्होंने मतलब मर गए, इसमें से 10 में से 9 लोगों ने पहले इशारा दिया रहता है कि हम मरने वाले हैं, या मेरे को मरने की इच्छा होती है, या मरने वाला हूं, 10 में से 9। और 10 इशारे देने वाले लोग रहे कि जिन्होंने इशारा दिए उसमें का एक तो पक्का मरता ही है, इतना उसका हाई रेशियो है। तो कोई इशारा देता है तो ऐसा नहीं समझना कि इशारा दे रहा है तो कुछ नहीं, ये बोल रहा है करेगा नहीं, ऐसा नहीं है। तो और नेक्स्ट, पहले इसने कोशिश की हुई है, पहले अटेम्प्ट किया हुआ है और उसमें से बच गया, तो ये कैंडिडेट फिर से हो सकता है कि सुसाइड करेगा। अब इसका इलाज क्या है? तो नंबर एक कि भाई उसको यदि कोई बीमारी है तो बीमारी का इलाज करो, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है साइकेट्रिक इलनेस से तो उसका इलाज करो, और उसको फिर अलग अलग साइकोथेरेपीज है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, रैशनल बिहेवियर थेरेपी है, सपोर्टिव साइकोथेरेपी है, हिप्नोसिस है, वो उपचार उसके ऊपर करो। क्या होता है कि जब सुसाइड की इच्छा होती है तो वो इतनी तीव्र इच्छा होती है, इतने वो थॉट्स आते रहते हैं कि वो समय पे उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना, उसको अकेला नहीं बैठने देना, उससे बातचीत करते रहना, उसके पास में कोई हथियार नहीं रखना या कोई जहर नहीं है पीने के लिए, ऐसा मतलब ऐसे लोगों के ऊपर ख्याल रखना चाहिए, उनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और यदि वो सुसाइड बोल रहा है बार 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 बार, तो देखना चाहिए कि उसको डिप्रेशन है क्या, ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसको पावरफुल बनाना, उसको वहाँ से निकालना, जो भी सहायता कर सकते वो सहायता करना। एक बार वो सुसाइड का जो विचार है उसका पीरियड निकल गया, एक बार वो घंटा 2 घंटे 4 घंटे निकल गए और वो विचार निकल गए, बाद में आदमी सुसाइड करता नहीं, मतलब चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए वो समय जो है जिस समय उसको सुसाइड करने के विचार आते हैं उस समय उसको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, और उसमें यदि सपोर्ट दिया तो उसकी जान बच सकती है। तो ऐसे से हम सुसाइड की मतलब स्टडी करके गेस कर सकते हैं कि भाई कौन सा व्यक्ति सुसाइड करने वाला या करेगा। और जब हमको मालूम है, आइडिया है कि कुछ तो भी ऐसा गड़बड़ चल रही है, तो हम फिर उसको सपोर्ट दे सकते हैं, उसकी ज़िंदगी हम बचा सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को शेयर करो, आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे।
हमारा जो मकसद है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, हर एक को पावरफुल बनाना, हर एक के जीवन में, उसके जीवन में आनंद आना चाहिए, समाधान, शांति, खुशहाली होना चाहिए। इसके लिए हम काम करते रहते हैं। अब ये वीडियो लोगों को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे और लोगों का जीवन इसे बच सकता है यदि उसको टाइमली हेल्प मिलती है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।